अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां थाना विश्वविद्यालय बाईपास बरा कोठार में नहर के पास फिर एक बार भीषण सड़क हादसा हुआ और मौके पर ही अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पीएम के लिए भिजवा दिया है, जहां गिट्टी से ओवरलोड हाईवा ने एक बाइक सवार जा रहे युवक को घसीटते हुए कुचल दिया। बताया गया कि नेशनल हाईवे रोड के नो मेंटेनेंस उबड़ खाबड़ रोड और वाहन चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस दौरान जहां बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं, साथ ही डंफर के नीचे फंसे व्यक्ति के चिथड़े भी उड़ गए हैं, वही डंफर चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शिनाख्त कर रही है। यहाँ पर एक्सीडेंट कैसे हुआ है किस वाहन से? यहाँ हाईवा और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल वाले के ऊपर हाईवा चढ़ गया है, जिससे उनकी आकस्मिक निधन हो गया है उनका। अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा नहीं है और आए दिन इस हाईवे में चौराहा से रतहरा के बीच में आए दिन कम से कम 10 एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें बचने की लोगों की काफ़ी उम्मीद कम रहती है। जहाँ तक एक्सीडेंट होने के साथ ही लोगों की डेथ हो जाती है। यहाँ शासन प्रशासन का उस तरह से कोई इसी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर शासन प्रशासन इसी ओर थोड़ा ध्यान दे दे तो एक्सीडेंट में मृत्यु होने की संभावना कम हो जाएगी लोगों की। ये कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये बाईपास बरा कोठार में हुआ है, नहर के थोड़ा सा पहले। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? थाना विश्वविद्यालय लगता है, शिव महाशक्ति होटल से 200 मीटर आगे हुआ है। मरने वाले क्या नाम है? अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं है, ना गाड़ी में नंबर है। और अब गाड़ी के चेसिस नंबर के आधार पर सर्च किया जा रहा है, अगर कुछ जानकारी निकल के आती है तो वो सबके सामने आएगी। अभी ऐसी जानकारी मिली नहीं है कि कौन है, कहाँ के हैं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। और अभी गाड़ी फंसी हुई है हाईवा में, हाईवा चालक भाग गया है और जानकारी नहीं मिल पा रही है।